Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट. स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर 2 चैप्टर 1 क्लास 11th चैप्टर जो है सेट्स, उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूँ. एक्सरसाइज 1.1. पहले लेक्चर में आपने जो है बेसिक कंसेप्ट और 5 एग्जांपल्स किए. अब जो है एक्सरसाइज करेंगे 1.1. अब देखें जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. स्टूडेंट, 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. कौन कौन से सेट्स होते हैं स्टूडेंट, कौन कौन से सेट नहीं होते हैं. सेट क्या होता है, जो काउंटेबल हो, जिनको काउंट कर सकें, गिन सकें, वो सेट्स है. जिनको गिन ना सकें, अनलिमिटेड हो, वो सेट्स नहीं है. जैसे हम कहते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 हम गिन सकते हैं, ये सेट है. हम कहें वनली नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो एंड पता ही नहीं है, तो सेट्स नहीं है. हम कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन इन योर फैमिली, नंबर ऑफ पर्सन इन योर फैमिली काउंटेबल है, गिन सकते हैं. मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं, दादा, दादी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, सबको मिलाकर जितने लोग हैं काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं तो वो सेट्स हैं, और काउंटेबल नहीं है तो सेट्स नहीं है. जैसे हम कहें मंथ ऑफ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं तो सेट्स है. ठीक है, अब सेट्स हैं या नहीं है जरा देखें इसमें क्वेश्चंस में जो बुक में है. पहला है कर द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से शुरू होने वाले. देखो कौन से हैं, एक तो जनवरी, दूसरा जून, थर्ड जुलाई. तो हमारे पास कितने आ गए, जून एंड जुलाई. इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, और इसका नाम लिख दिया सेट ए, और कॉमा से लगा के इसको सेपरेट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया. ऑर्डर हम कुछ भी कर सकते हैं आगे पीछे, ये कहलाएगा सेट. ये सेट है उसने जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि जस्टिफाई इसका ही होगा. हम इसको काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट है. कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया. स्टूडेंट, अब देखो टैलेंटेड राइटर, कोई कहेगा खुशवंत सिंह टैलेंटेड राइटर है, कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा मुंशी प्रेमचंद बहुत टैलेंटेड राइटर है, कोई कहेगा नहीं. ठीक है, कोई कहेगा चेतन भगत बहुत टैलेंटेड राइटर है, कोई कहेगा नहीं वो तो बेकार है. सबके अपने अपने व्यूज़ हैं. और टैलेंटेड अगर सबके 10 टैलेंटेड अगर हम कहें कि आप अपने टैलेंटेड राइटर बताओ, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर होंगे. जब आंसर डिफरेंट होते हैं तो वो सेट्स नहीं होता. अगर सभी का आंसर एक है तो सेट्स होगा. जैसे हम कहें एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो आप बोलेंगे एक ही पर्सन है, नरेंद्र मोदी. पूरे वर्ल्ड का एक आंसर होगा, ये सेट है. ठीक है, हम कहें मोस्ट टैलेंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबके अलग अलग आंसर आएंगे. कोई मोदी को कहेगा, कोई नेहरू को बोलेगा, कोई इंदिरा गांधी को बोलेगा, कोई नरसिम्हा राव को बोलेगा, कोई मनमोहन सिंह को बोलेगा. ठीक है, तो इस तरह अलग अलग लोगों का नाम बोलेंगे, अलग अलग डिफरेंट आंसर होंगे, वो सेट नहीं है. ठीक है, हाँ ये पूछें सबसे लंबे समय तक कौन प्राइम मिनिस्टर रहा इंडिया में, तो नाम दे सकते हैं नेहरू, तो सभी का आंसर एक होगा. और जो है लॉन्गेस्ट सर्व द नेशन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कौन है, नेहरू. तो वो आंसर सबका सेम होगा. तो इस तरह से ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो सेट्स कहलाते हैं, और जिसका आंसर सेम ना हो वो सेट्स नहीं होते. यहाँ पे कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड इंडिया, ये नॉट सेट्स, सेट नहीं है. ठीक है, नॉट सेट. अब इसके बाद अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. तो स्टूडेंट, जब 10 जो है 11 बेस्ट क्रिकेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो हर पर्सन को बोलें कि अपने अपने बेस्ट चुनो, तो सबके अलग अलग आंसर होंगे. ठीक है, किसी का आंसर सेम नहीं होगा, तो वो सेट्स नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टीम कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. ये आपकी क्लास में मानो 40 बॉयज़ हैं, 45 बॉयज़ हैं, तो फिक्स्ड है, सबके आंसर सेम होंगे. प्रिंसिपल से पूछोगे भी बताएगा, 11th A में कितने स्टूडेंट हैं, टीचर भी बताएगी, डिपार्टमेंट भी बताएगा, हर लोग उतने बताएंगे, तो वो जो है फिक्स्ड है, वो सेट है. तो यस, ये जो है सेट्स है हमारे पास. यस, इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट, बिकॉज यू कैन काउंट
ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास, ये जस्टिफाई हो गया। इसका कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 में स्टूडेंट हमें नंबर लिखना 1, 2, 3 और लास्ट में कितना होगा 99, 98, यानी लेस देन 100, यानी टोटल 99 नंबर होंगे। ये काउंटेबल है इसलिए सेट है, यस इट इज अ सेट। बिकॉज वाई जस्टिफाई करना है, बिकॉज वी कैन काउंट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 100, मतलब 100 से लेस नंबर काउंट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने, हम कहेंगे ये भी यस इट इज सेट, इट इज अ सेट। क्यों सेट है, जस्टिफाई क्यों करें, क्योंकि जितने भी नॉवल लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद वो सबको पता है, वो सारे नॉवल्स के नाम लिख सकते हैं आप, तो जब लिख सकते हैं काउंटेबल है गिन सकते हैं तो वो सेट कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर स्टूडेंट। अब इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये चलता जाएगा। एंडलेस है तो ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, एंडलेस है। जैसे नेचुरल नंबर के बात कहें तो एंडलेस है, बट पहले 10, first 10 नेचुरल नंबर वो काउंटेबल है, वो सेट्स कहलाएगा। और खाली नेचुरल नंबर सेट्स नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया वो। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं आप देख सकते हो, 1.1 में कितने हैं, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 मिसलेनियस, और सब एग्जाम्पल को काउंट कर लो, आपके पास पता चल जाएगा कितने जो है क्वेश्चंस हैं। तो इट इज़ काउंटेबल, इट इज़ काउंटेबल, काउंटेबल, और सभी के आंसर सेम होंगे कि एनसीईआरटी के 11th क्लास के जो है वो कितने चैप्टर हैं सेट्स में, पहले चैप्टर में, तो सभी के क्वेश्चन सही होंगे कि हाँ टोटल इतने क्वेश्चन हैं, इतने एग्जाम्पल हैं, सबका आंसर सेम होगा, ये सेट है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये तो हो गया कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो हम कहते हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो स्टूडेंट इसका डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगा, ये सेट नहीं है। क्योंकि कोई कहेगा स्नेक बहुत डेंजरस है और सपेरा एक होगा, वो कहेगा नहीं ये तो बहुत फैमिलियर है हमारे, वो तो गले में उठा के डाल लेगा, हाथ से खेलेगा। कई कहेंगे लायन बहुत डेंजरस है, कई लायन को टेम कर लेते हैं, वो कहेंगे लायन डेंजरस नहीं है, ठीक है। तो वो तो किसी भी से कोई डरता है, किसी को डेंजरस लगता है, दूसरे को डेंजरस नहीं लगता, तो ये सेट नहीं है और सबके डेफिनेट आंसर नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा हमारे पास था कि विच आर सेट, विच आर नॉट सेट, जो काउंटेबल हो, गिन सकते हो, लिख सकते हो, सबका आंसर सेम हो, वो सेट्स हैं। और जब आंसर डिफरेंट हो सबके और उनको देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास सेट नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, करे लेट ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इंसर्ट इधर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मीन्स जो बिलोंग्स कर रहा है और नॉट बिलोंग्स टू। अब देखते हैं 5 सेट ए में आ रहा है, आ रहा है तो ये बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आ गया बिलोंग का। 8 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। 4 आ रहा है इसमें, यस आ रहा है तो बिलोंग्स टू। 2 आ रहा है इसमें, बिलोंग्स टू। 10 इसमें आ रहा है, नहीं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसी तरह से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd है, सेट ऑफ राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये देखें किस फॉर्म में है स्टूडेंट, सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म, या रूल मेथड भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में लिखा हुआ है हमारे पास। हमें किस में कन्वर्ट करके लाना है, हमें लाना है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं हम इसको। तो देखिए कह रहा है इज एन एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स -3 से ग्रेटर आर इक्वल टू 7 से लेस। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, -3, एक तो आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से छोटा इंटीजर 6 होता है और -3 के इक्वल है तो -3 आ गया, ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, क्लियर। अब ये दूसरा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर में लाना है या लिस्टिंग फॉर्म में। 6 से छोटा नेचुरल नंबर कहाँ होता है स्टूडेंट, 6 से छोटा जो नेचुरल नंबर है ए सेट हो गया या बी सेट, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया स्टूडेंट। अब हम आंसर इसका लिखेंगे सी पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ टू डिजिट
नंबर नेचुरल नंबर एंड सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. टू डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं स्टूडेंट, देखते हैं 9 के बाद 10 आता है, 11 आता है और लास्ट में 99 के बाद 100 3 डिजिट हो जाता है. तो इन्हीं के बीच में टू डिजिट के नंबर लिखने हैं स्टूडेंट, बट डिजिट का सम कितना होना चाहिए 8. जैसे मैंने लिखा है 71, तो इनका टोटल कितना होता है 8 नहीं होता दोनों का टोटल, बट हमें दो डिजिट नंबर लिखना है जिनका सम 8 होता है. तो पहले देखो हम 8 सम होता है तो 8 जीरो से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू करें 71, 7 और 1 लें तो 71, और इनका सम टोटल क्या हुआ दोनों का 7 और 1 8. अब एक इधर घटाओ इधर एक बढ़ाओ 62, फिर एक घटा दो एक बढ़ा दो 53, एक इधर घटाओ एक बढ़ाओ 44, एक इधर घटा दो एक बढ़ा दो 35, फिर एक घटाओ 26, फिर एक घटा दो 17, फिर एक घटा दो 08. 08 नहीं आएगा, 80 आएगा 80, ठीक है. तो हमारे पास या 80 हम पहले लिख दें, इससे पहले भी लिख सकते हैं 80. देखो 80 है सम 8 और 0, 8 हो गया. एक इधर कम किया 7, एक इसे बढ़ा दिया 71, 62. यानी फर्स्ट डिजिट में 1 रिड्यूस करो, सेकंड में इंक्रीज करते जाओ और लास्ट में 17 आके ख़त्म हो गया. आगे अगर 08 कर दो तो स्टूडेंट ये इनका सम तो 8 है बट इट इज़ नॉट टू डिजिट नंबर, ये सिंगल डिजिट कहलाएगा 8. तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट देयर सम इज 8. तो टू डिजिट नंबर आ गया, इनका सम भी सभी का टोटल 538448358. अब इसके बाद देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60. अब देखें डी है आंसर लिख रहे हैं हम डिवाइजर ऑफ 60. 60 का डिवाइजर कौन कौन है जो 60 से डिवाइड होता हो. तो देखो 60 का डिवाइजर पहले 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 6 से भी होता है. 67 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 10 के बाद 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 5 से 60, 12 के बाद 13 14 नहीं होगा, 15 से डिवाइड होगा, 15 4 से 60, फिर 16 17 18 नहीं है, 19 नहीं, 20 से डिवाइड होगा, 23 से 60, 20 के बाद सीधा बीच में 30 से डिवाइड होगा और 30 के बाद 60 से डिवाइड होगा. तो स्टूडेंट ये देख रहे हैं ये सारे नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं 60 को. तो 60 के डिवाइजर हो गए ये, क्लियर हो गया. इसके बाद देखो नेक्स्ट है x such that x is a set of all letters of the word trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में लेटर बताने जिनसे वर्ड बना है, रिपीट नहीं होगा, रेपिटिशन नहीं होना चाहिए. जब हम आंसर लिखते हैं तो मैंने बताया तो रेपिटिशन नहीं होना चाहिए सेट बनाते समय, और कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, और कॉमा से सभी नंबर को सभी ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को या नंबर्स को सेपरेट करना है. तो पहला देखो वर्ड क्या है, टी कॉमा आर, ठीक है, फिर आई ट्री, फिर आई के बाद क्या जी, जी के बाद ओ, ओ के बाद एन, एन के बाद फिर ओ आ गया, वो हमें एक बार लिखा है छोड़ दो, फिर एम, एम के बाद फिर अगेन ई आ रहा है, ई के बाद फिर टी, टी ऑलरेडी हमने लिख दिया नहीं लिखेंगे, आर, आर भी आ चुका है, फिर वाई. तो देखें हमारे पास कॉमा से सेपरेट कर दिया, किसी नंबर को रिपीट नहीं किया है और कर्ली ब्रैकेट से बंद किया. इस तरह से हम सेट्स को लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में. तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट, फिर एक्स इज दैट एक्स इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. बेटर में देखो क्या आता है, इसका आंसर लिखेंगे एफ करके, तो पहले कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, बी कॉमा ई कॉमा टी, फिर डबल टी एक छोड़ देंगे, फिर ई भी आ चुका छोड़ देंगे, और आर, तो बी ई टी आर, इन शब्दों से बेटर वर्ड बनाए. तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि कैसे हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म था या रूल मेथड था, रूल मेथड को हमने कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया या टेबुलर फॉर्म कह दें या लिस्टिंग फॉर्म, तो इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं उसमें कन्वर्जन है. और इस तरह से ये रोस्टर को आप फिर से बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अब देखें जैसे पहले आपको सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना था, अब रोस्टर फॉर्म है सेट बिल्डर में लाना है, सेट बिल्डर कहेंगे या रूल मेथड. और ये जो फॉर्म दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म कहें या लिस्टिंग लिस्ट दे कर रखी है. अब पहला 3, 6, 9, 12 स्टूडेंट, तो देखें ये क्या है, 3 का मल्टीपल है स्टूडेंट, 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं आंसर को, जैसे हमने ए रख दिया यहाँ पे और इस तरह से लिखा x such that x equal to 3n.
एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्टूडेंट, और कितने हैं, फोर हैं, तो एन क्या हुआ, वन टू लेकर के फोर के बीच में ये नंबर हो गया स्टूडेंट। तो आप इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं। तो देखो हमने थ्री का मल्टीपल है, थ्री एन कर दिया, एन क्या वन से फोर तक है, तो वन डालेंगे थ्री, टू डालेंगे सिक्स, थ्री डालेंगे थ्री इंटू थ्री नाइन, एन की जगह पुट करो फोर, थ्री फोर या ट्वेल्व, तो वही आया ना थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व। इस तरह से हम इसको रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में ले आए। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट क्या है हमारे पास। तो इसमें आप देखते हैं एक आता है हमारे पास ये जैसे टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव। तो टू की वन टू होता है, टू की टू फोर होता है स्टूडेंट, टू की क्यूब एट होता है, टू की पावर फोर सिक्सटीन, टू की पावर फाइव थर्टी टू। इसलिए टू की पावर है एन नेचुरल नंबर, और कहाँ से शुरू है, वन से फाइव तक। तो स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू टू की पावर एन, एन वन टू थ्री फोर फाइव आ गया। तो यहाँ कहेंगे एन किसको बिलोंग करता है हमारे पास, एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट, वन से लेकर के फाइव तक। और आपको देखो ये तैयार हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसी में स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फाइव की वैल्यू है, तो फाइव की पावर वन, फाइव की टू ट्वेंटी फाइव होता है, फाइव की थ्री वन ट्वेंटी फाइव होता है, और फाइव की फोर सिक्स ट्वेंटी फाइव होता है स्टूडेंट। फाइव की फोर का मतलब फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव फोर टाइम मल्टीप्लाई, फाइव क्यू का मतलब फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव थ्री टाइम मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बनेगा देखें, हम इसको जो लिखेंगे आंसर इसका वो सी करके लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स लिख दें, स्लैश डाल दें या कॉलन डाल दें दो पॉइंट, तो ये क्या होगा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास एन फाइव की पावर एन, जैसे यहाँ टू की पावर एन थी फाइव की पावर एन, एंड एन क्या हुआ वन से फोर तक है, एन क्या है नेचुरल नंबर हुआ ना, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा, एन कहाँ से कहाँ तक है, एन जो है वन से लेकर के फोर के बीच में है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका बन गया। इसके बाद स्टूडेंट देखें हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर टू फोर सिक्स, ये तो इवन नेचुरल नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट ई करके, और आंसर इसका बन जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स हो गया स्टूडेंट, टू फोर सिक्स एट चलता आ रहा है, एंडलेस है, तब ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट होगा, ये भी नीचे भी फाइनाइट है क्योंकि काउंटेबल है, वन से हंड्रेड के बीच में है। तो इसमें देखें स्टूडेंट क्या आ रहा है, वन फोर नाइन हंड्रेड, तो देखो वन का स्क्वायर, फिर टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, डैश डैश टेन का स्क्वायर स्टूडेंट, वन का स्क्वायर वन, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का नाइन, टेन का हंड्रेड, तो यही तो आ रहा है ना स्टूडेंट, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर कह सकते हैं स्टूडेंट इसको। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आंसर जो है D इक्वल टू, इसका आंसर x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स, पहले दस नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। या स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D पार्ट को और करके, वो क्या लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू हमारे पास नेचुरल नंबर एन स्क्वेयर, और वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन कहाँ है वन से लेकर के टेन नंबर तक। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देयर आर टू चॉइसेस, इसको लिख सकते हैं स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर, या हमने एन का स्क्वेयर यानी नेचुरल नंबर का स्क्वेयर कर दिया, यानी वन का स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर, थ्री ऐसे लास्ट में टेन तक का स्क्वेयर, और एन बता दिया नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर वन से टेन तक की वैल्यू है। तो हमारे पास देखो इस तरह से चॉइस है स्टूडेंट, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये देखो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है रूल मेथड के अंदर, इसको हमें किस में बनाना है, लिस्ट करना है, लिखा ना लिस्ट ऑल द एलिमेंट, यानी या तो लिस्ट मेथड का हो, टेबुलर फॉर्म का हो, या रोस्टर फॉर्म, एक ही तो मतलब है। तो देखो इसका लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, ए आंसर जो हमारे पास है एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, वन थ्री फाइव सेवन डैश 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 डैश, ऑड नेचुरल नंबर आ गया।
ये इंटीजर है माइनस हाफ से 9/2, माइनस हाफ का मतलब होता है 0.5, 9/2 का मतलब 4.5। अब इनके बीच में इंटीजर कहाँ आता है स्टूडेंट, आप देखें हमारे पास जैसे इंटीजर है 0, माइनस 1, ये 1, 2, 3, 4, 5। अब 0.5 तो माइनस का यहाँ आ गया, 4.5 4 और 5 के बीच में आ गया, तो इनके बीच में तो यही आया 0, 1, 2, 3, 4। हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, यानी 4.5 से पहले और माइनस हाफ से आगे जाएंगे तो 0 से शुरू हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब कह रहे हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमें बता रहे हैं एक्स एज दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, यानी किसका स्केयर किया है कि 4 आ रहा है। तो देखो इसमें माइनस 2 का भी स्केयर 4 होता है, माइनस 1 का भी स्केयर 4 से लेस होगा, 0 का स्केयर भी 4 से लेस होगा, 1 का भी और 2 का भी। आप 3 ले लेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, वो 9, जो कि लेस नहीं होगा 4 से, गलत हो जाएगा। माइनस 2 का स्केयर 4 के इक्वल आ रहा है, 1 माइनस 1 का स्केयर 4 से लेस, 0 का स्केयर लेस, 1 का स्केयर लेस, 2 का स्केयर लेस, तो ये आंसर आ गया। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल स्टूडेंट किस वर्ड से बना है, कौन कौन से डिफरेंट वर्ड यूज़ हो रहे हैं, एक तो एल हो रहा है, एक ओ हो रहा है, एक वाई हो रहा है, एक ए हो रहा है, एल तो दोबारा रिपीट करना नहीं है, तो एल ओ वाई ए से लॉयल वर्ड बना है। उसके बाद आंसर हमें एफ सेट का लिखना है, एक्स इज दैट एक्स इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टूडेंट, प्रिसीडिंग के, के से पहले कंसोनेंट बताना है। तो देखो हमारे पास ए ई आई ओ यू ये छोड़ना है अल्फ़ाबेट में, तो देखो कहाँ से ए के बाद क्या शुरू होता है, बी, बी के बाद सी, फिर डी, ई नहीं आ रहा है इसमें, नहीं आना है, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई भी नहीं आएगा, फिर जे, और के से पहले ये अल्फ़ाबेट आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने देखा हमने कैसे लिस्टिंग की है, यानी टेबुलर फॉर्म में इसको लेकर आए हैं स्टूडेंट, तो आप कर सकते हैं इजीली। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द फॉलोइंग, लेफ्ट साइड में आपका रोस्टर फॉर्म में है, लिस्टिंग फॉर्म भी कह सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म इधर है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, इसको मैच करना है। तो देखो ये कह रहा है प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर और प्राइम नंबर, कह रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब 6 का डिवाइजर क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 डिवाइजर हो गए, बट प्राइम नंबर इसमें कौन सा होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं, तो 2 और 3 ये आंसर आ गया हमारे पास। और 2 3 स्टूडेंट ये रहा, इसका मतलब ए पार्ट किससे मैच कर रहे हैं, सेकंड से, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, 1 ऑड होता है, और नेचुरल नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, तो ये देखें 1, 3, 5, 7, 9 ये किससे मैच कर रहा है, तो बी पार्ट मैच हो रहा है हमारे पास, फोर्थ पार्ट से मैच हो रहा है। इसके बाद नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर क्या होता है स्टूडेंट, एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6, और वो कह रहा है नेचुरल नंबर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो डिवाइजर भी है और नेचुरल नंबर भी है 6 से, ठीक है। 6 का कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर और नेचुरल नंबर, तो ये किससे मैच कर रहा है हमारे पास, सी पार्ट ये फर्स्ट से हो रहा है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स अपने आप ही थर्ड से मैच करेगा। अब मैथमेटिक्स में देखें किससे बना हुआ है स्टूडेंट, ये एम है, फिर ए है, फिर टी है, फिर एच है, फिर ई है, एम तो आ गया दोबारा लिखेंगे नहीं, ए भी आ गया नहीं लिखना है दोबारा, टी भी आ चुका है, फिर आई आ जाएगा स्टूडेंट, फिर सी आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा। तो देखते हैं इन शब्दों से ये जो है मैथमेटिक्स बना है, तो डी किससे मैच कर रहे हैं, थर्ड पार्ट से। तो आपने देखा स्टूडेंट इस तरह से आपने एक्सरसाइज 1.1 कर ली, आई थिंक आप सबको समझ आया होगा, बहुत ईजी लगा होगा, और आगे भी आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और जेई में भी ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा चैप्टर है सेट्स का, इससे रिलेटेड आपका ट्वेल्थ में भी एक चैप्टर सेट पर है, तो इसी से कोरिलेट करता है स्टूडेंट, तो आप बहुत अच्छी तरह करेंगे, साथ साथ करें, और एक बार और दोबारा वीडियो देखेंगे आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। थैंक यू।